हाउ टू मेक पीडीएफ ऑन आईफोन, आईफोन में हाई क्वालिटी पीडीएफ कैसे बनाएं। आप सभी चेक कर सकते हैं कितनी हाई क्वालिटी में हमने पीडीएफ को क्रिएट किया है। एंड आपको बताना चाहूँगा कि इनकी जो क्वालिटी है एज ए डॉक्यूमेंट रहने वाली है, डेट्स वाई इसका पिक्सल हाई रहेगा एंड आपकी क्वालिटी बेटर निकल के आएगी। और राइट गाइस, चलो अब बनाते हैं पीडीएफ को अपने आईफोन्स के ऊपर। इसके लिए आप अपने आईफोन्स की नोट्स एप्लीकेशन को ओपन कर लें। वैसे आप फाइव्स एप्लीकेशन की हेल्प से ही बना सकते हैं, बट हम सबसे ईजी मेथड की तरफ जाएंगे। एंड यहाँ पे आप सभी चेक करो, मैं जो है यहाँ पे पीडीएफ को क्रिएट कर रहा था, इसको मैं यहाँ पे बैक कर देता हूँ। एंड यहाँ पे इस तरीके से डॉक्यूमेंट को स्कैन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रोडक्ट है या फिर आपने नोट्स तैयार किए हैं एंड उनका जो है आपने स्क्रीनशॉट लेना है या फिर फोटो क्लिक करनी है, तो आप कुछ इस तरीके से उनकी फ़ोटो क्लिक कर लें। मैं आपको शो कर देता हूँ, जैसे कि आपने लिखा हुआ है कुछ, उसको आपने स्कैन करना है। तो इसके लिए आपको जाना नोट्स एप्लीकेशन के ऊपर एंड आप अपनी फ़ोटोज़ को भी क्लिक कर सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे बैक करते हैं एंड ये रहा देखो नोट्स है एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एंड जैसे आप नोट्स एप्लीकेशन की पेंसिल पे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे एक कैमरे का आइकन देखने को मिल जाता है, टैप ऑन इट। ओके, एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलती है चूज़ फोटोज़ एंड वीडियोज़। आपके पास यदि फोटोज़ एंड वीडियोज़ हैं तो आप उनको डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस फोटो को सिलेक्ट करना चाहता हूँ एंड इसको, एंड इस तरीके से आप फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं, देन ऐड के बटन पे क्लिक कर दें। तो यदि आपने डायरेक्टली फोटोज़ क्लिक करके रखी हुई, फॉर एग्जांपल आपने डायरेक्टली फ़ोटो ही क्लिक करके रखी थी तो आपने सेलेक्ट कर लिए। अब बारी आती है यदि आपने फोटोज़ को क्लिक करना है, फॉर एग्जांपल आपने लिखा हुआ है कुछ या फिर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, तो यदि फॉर एग्जांपल के लिए आपने इसकी फ़ोटो क्लिक करनी है, मैं आपको शो कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है टेक फोटो पर क्लिक करेंगे एंड इस तरीके से आप इसको क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पे मिल जाता है यूज़। तो यदि आप यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, अदरवाइज आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। आपको पसंद नहीं आई तो आप उस फोटो को सही से डिलीट भी कर सकते हैं, दोबारा से क्लिक कर लें। एंड इसी तरीके से यदि आप जो है और भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल के रखा हुआ या फिर आपने नोट्स क्रिएट किए हैं या फिर कुछ भी बिजनेस पर्पज से आपने कुछ क्रिएट किया था, तो आप उसको जस्ट इस तरीके स्कैन पे क्लिक करें एंड यहाँ पे आप सभी उसको स्कैन भी कर सकते हैं डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इस तरीके से अच्छे से फोटो यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैं आपको शो कर देता हूँ इस तरीके से, देन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इस तरीके से आपको अपनी पीडीएफ को स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कुछ लिख के रखे थे, नोट्स बनाए थे, तो आप यहाँ पे एडजस्ट करके कीप स्कैन पे क्लिक करेंगे एंड ये है काफ़ी हाई क्वालिटी में। आप सभी चेक करें, यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। इसकी जो है डेंसिटी वगैरह ऑटोमेटिक डन हो चुकी है, यहाँ पे दोबारा रीटेक कर सकते हैं अगर आपकी फ़ोटो क्लियर नहीं आई है तो। इस तरीके से यहाँ पे डन कर दें, अगर आपकी क्लियर आ चुकी है फोटो, देन आपको नेक्स्ट सेव पे बटन पे क्लिक करना है। तो आप सभी चेक करो, मैं आपको सारा ही यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप सभी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे स्कैन डॉक्यूमेंट आ चुका है। तो यदि आप फोटोज़ को एज ए डॉक्यूमेंट या फिर कह लें कि पीडीएफ बना के सेंड करना चाहते हैं तो वो भी इसी वीडियो में आपको बता रहा हूँ। प्लस यदि आप जो है नॉर्मली अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। प्लस यदि आप फोटोज़ एंड वीडियोज़ और भी यहाँ पे क्लिक करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यदि आपको कोई रिसेंटली फ़ोटो पसंद आ रही, उसको इस तरीके से स्कैन कर लो। एक सेकेंड, रीटेक पे क्लिक करते हैं। ऑलराइट, तो अब आप यहाँ यूज़ कर लें। तो देख लें, मैंने आपको जो है तीनों तरीके बता दिए कि आप फोटो स्कैन कर सकते हैं, चूज़ भी कर सकते हैं यदि आपके पास गैलरी में फोटोज़ पड़ी हैं, किसी को बनाना है, ठीक है। हमने जो है सेलेक्ट कर लिए, क्लिक कर लिए, स्कैन कर लिए, राइट। तो अब आपको क्या करना है, इस तरीके से एक एरो पे क्लिक करना है, ओके। एंड यहाँ पे आपको जो मिल जाती है प्रिंट, प्रिंट मिलेगा ये वाला, देखो इस पे क्लिक करो। एंड जैसे आप क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पे जो ऐसे करना है, इसको जूम आउट करना है। जैसे आप करेंगे, आप सभी चेक करें, आपकी पीडीएफ जो है यहाँ पे लोड होना शुरू हो जाएगी। इंटरनेट अच्छा कर लेना, आप सभी चेक करो, ठीक है। ये आपकी पीडीएफ जो है टोटल 15 पेज जो है यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्कैन हो रही है पूरी तरीके से। अब आपको जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, आप सभी चेक करो, जैसे ही कंप्लीट हो जाती है सारी फोटोज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं इस तरीके से। देन आपको यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको मिल जाती है सेव टू फाइल्स। आप सभी चेक करें पीडीएफ डॉक्यूमेंट एंड यहाँ पे 12 MB जो इसका टोटल साइज आ चुका है। देन आपको यहाँ पे सेव टू फाइल्स पे क्लिक करना है एंड जैसे ही क्लिक कर देते हैं, अब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है ब्राउज है, आपको ब्राउज पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको आईक्लाउड ड्राइव नहीं, ऑन माई आईफोन को सिलेक्ट करें एंड यहाँ पे उसके बाद इस तरीके से आता है न्यू फोल्डर पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। न्यू फोल्डर क्रिएट कर लें अपना, जिसमें आपको ये वाली पीडीएफ को सेव करना है। तो फॉर एग्जांपल माई पर्सनल लिख देता हूँ। तो माई पर्सनल लिखने के बाद आपको यहाँ पे डन के बटन पे क्लिक करना है एंड ये फोल्डर जो है क्रिएट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करना है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 90% प्रोसेस डन हो गया। अब आप कुछ भी नहीं करना है, बैक कर दो। अब आपको डायरेक्टली जाना है अपनी फाइल्स एप्लीकेशन के ऊपर एंड यहाँ पे आपको ब्राउज पे क्लिक करना है। जैसे आप सभी ब्राउज पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे मिल जाती है ऑन माई आईफोन, टैप ऑन दिस, क्योंकि हमने इसमें सेव किया था। एंड माई पर्सनल पे क्लिक करें एंड ये देख सकते हैं हमारी जो यहाँ पे पीडीएफ जो है 12 MB की आ चुकी। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप सभी यहाँ पे पीडीएफ को अपना पूरे तरीके से चेक कर पाएंगे। लोडिंग होने में टाइम लेता है एंड इस तरीके से आपको अब शेयर करने का ऑप्शन मिल जाती है। आप इसको डायरेक्टली मैसेज, ईमेल, व्हाट्सअप, किसी के थ्रू ईमेल शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहते हैं, शेयर कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।